नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तुम्हारा हर सपना सच हो जाएगा, परंतु इन चार बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने यह बात तो सुने होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना अवश्य पड़ता है। जी दोस्तों, इसके माध्यम से हम आपको यह नहीं जता रहे कि आपके कर्मों में दाग हैं, आपके अंदर ही खोट है, ताकि आपको ये चार बातों का ध्यान रखना होगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके कर्म और आपके अच्छे पुरुषार्थ की वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस धरती पर आपके जैसे सब लोग नहीं हैं। जी दोस्तों, आप जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के लोगों की सोच और आपकी सोच में अंतर है। जी दोस्तों, और इसी कारण आपके जीवन काल में आपको चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे कर्म और पुरुषार्थ अगर हर इंसान के अंदर रहता तो दोस्तों इस धरती पर दुष्कर्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसी चीजें उत्पन्न ही नहीं होती। और दोस्तों, इसी प्रकार आपके भी आस पड़ोस में, आपके भी अगल बगल में, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों की ओरा आपसे अलग होती है। जी दोस्तों, ओरा मतलब उनके अंदर की एनर्जी, उनके अंदर का वातावरण। जी दोस्तों, जब आप उनसे वार्तालाप करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन काल में उनके एनर्जी अवश्य ग्रहण होती है। जी दोस्तों, जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ का शुभ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, जिस प्रकार हमारे सभी चिंताएं वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोगों के ओरा आपसे अंतर है। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन काल में सफलताओं को प्राप्त करने के लिए चार सावधानी अवश्य रखनी पड़ेगी। जी दोस्तों, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आप इन बातों पर गौर करें। साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि आने वाले चार दिनों के अंदर आपके जीवन काल में जो ग्रहों की भी स्थिति होगी, इनके अनुसार आपके घर के माहौल में क्या क्या बदलाव होंगे, पार्थिव जीवन में क्या क्या सुधार होंगे और कौन सी चार बातों का ध्यान आने वाले चार दिनों में आपको रखने होंगे। जी दोस्तों, प्रत्येक जानकारी इस वीडियो के मध्य में दिए हैं, तो हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शिव लिखकर भगवान शिव का स्मरण कर लें। भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छी ज्ञान से। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को किसी जीव की हानि पहुंचाते हुए देखते हुए कहा कि हे पुत्र, जब आप दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो ध्यान में रखिए कि यह हानि उनका नहीं, आपका है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीज़ें आपकी जीवन काल में वापस आती है, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बातों में अगर आपको सच्चाई लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों के अंदर आप सभी की जीवन काल में ग्रहों की स्थिति के अनुसार कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें जानेंगे कि कौन सी चार सावधानी आपको रखनी है। तो आए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, यह समय आपने अपनी दिनचर्या से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई है उन्हें किसी के साथ भी शेयर ना करें, तथा चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने से आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। दोस्तों, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए जो समय है बहुत ही अनुकूल समय होगा। इसके उपरांत ही दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में अगर आप निवेश संबंधी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि उसमें कुछ गलतियां होने की आशंका बन रही है। बिना किसी कारण के मन में कुछ अशांति जैसा महसूस हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में समय व्यतीत करना आपको सकारात्मक बनाएगा, तो दोस्तों जरूर उन पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत होगी। अपने विचारों को वास्तविकता में रूप देने का प्रयास आपका इसमें सफल रहेगा। इसके लिए आपको मित्र परिवार द्वारा पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा और परिवार के लोगों द्वारा
पेटे से संबंधित मदद भी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि अश्मी परिवार के करीबी व्यक्ति द्वारा योग मार्गदर्शन मिलने की वजह से बड़ी समस्या का समाधान भी अश्मी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अश्मी किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता मिलने की उत्तम संभावनाएं बन रही है। इसलिए दोस्तों अपने लक्ष्यों के प्रति पूरा ध्यान लगाएं, बाहरी संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें। दोस्तों ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। कभी कभी बहुत अधिक जल्दबाजी और जिद करना नुकसानदेह हो सकता है। परिवार तथा रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों यश में किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका लग रही है। खर्च करते समय आप अपने बजट पर गंभीरता से विचार भी करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए यश में आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आप पर बना हुआ तनाव कम होने भी लगेगा। फिर भी दोस्तों अपने प्रयत्नों को आप जारी रखें, आपकी लापरवाही आपके लिए नई समस्या खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों यश में इनका ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि काम करते समय, किसी से बातचीत करते समय पूरी तरह जागरूक रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अपने आत्मविश्वास तथा वाक्पटुता से नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाने में आप यश में सक्षम रहेंगे। इसमें दोस्तों नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाने पर तो आप सक्षम रहेंगे, साथ ही दोस्तों समाज में आपका मान सम्मान और वर्चस्व भी बना रहेगा। किसी सरकारी रिटायर्ड व्यक्ति से आपको सहयोग व फिर उचित सलाह भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी आपकी विचलित मन स्थिति आपको निर्णय लेने में कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती है। हालांकि दोस्तों आप इस पर काबू पालेंगे, किसी भी प्रकार की धन संबंधी उधारी या फिर लेन देन ना करें। विद्यार्थी लापरवाही की वजह से हाथ में आई हुई उपलब्धि को भी खो सकते हैं। तो दोस्तों यश में आपको जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको मिल रहे मौके का पूरा फायदा उठाने का समय होगा, और यश में अगर आप प्रयास करेंगे तो मौका का फायदा भी उठा पाएंगे। आपको अपनी क्षमता का अंदाजा आने की वजह से आपका आत्मविश्वास तो बनेगा ही दोस्तों, लेकिन ईगो भी बढ़ सकता है। दोस्तों इस बात का ख्याल रखना होगा कि दिन की शुरुआत से मानसिक संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि दोस्तों कर्म करने से भाग्य को अपने आप बल मिलता है। तो दोस्तों इस बात पर यश में आपको गौर करना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका यश में योगदान रहेगा तथा आप एक विशेष मुकाम यश में हासिल करेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का आपको अवसर भी यश में प्राप्त हो सकता है। घर में भी किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरों के साथ बहुत अधिक अधिकारपूर्ण व्यवहार ना करें। बच्चों को अपने करियर को लेकर कुछ तनाव बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आप अपने काम से फिर से भटक सकते हैं या फिर से आप भटक रहे हैं। तो दोस्तों इस बात पर आपको यश में गौर करना चाहिए कि कौन सा आपका काम यश में छूट रहा है। किसी एक बात पर पूरी तरह से ध्यान देकर ही उससे समर्पित कार्य करते रहने की आपको आवश्यकता होगी। छोटे मोटे तनाव के कारण भी आपका मन यश में जल्दी जो है भटक रहा है। ध्यान और प्राणायाम द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पाना और काम के प्रति ध्यान दे पाना आपके लिए संभव होगा। तो दोस्तों यश में इन पर अवश्य ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पब्लिक डीलिंग, मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय इसमें सफल रहेंगे। मेहनत की अधिकता बनी रहेगी। नौकरी में कोई ऑफिशियल यात्रा संबंधी ऑर्डर भी आपको मिल सकता है। यश में आपको अपने टारगेट को पाने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। साथ ही दोस्तों काम से संबंधित कठिन बातें पूरी तरह होने की वजह से आपको इसमें समाधान भी प्राप्त होगा, लेकिन काम से ध्यान भी आपका कम हो रहा है। तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मनोरंजन तथा ग्लैमर से संबंधित व्यवसाय में उन्नति होगी। कारोबारी महिलाएं विशेष रूप से सफल रहेंगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। सरकारी शहरद व्यक्तियों का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर प्रभाव बना रहेगा। साथ ही दोस्तों यह समय मेंटल से संबंधित व्यापार में अपनी क्षमता से अधिक काम ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
इसको उपरांत दोस्तों यशो में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपका जो कार्य प्रणाली है उनमें कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत होगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों अपने राजनीतिक संपर्कों को भी और अधिक मजबूत बनाएं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने उचित कार्य की वजह से सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश में प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में लाभदायक परिस्थितियां बन रही है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को यश में स्थगित रखें। कर्मचारियों के साथ अपना व्यवहार कुछ नर्म रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। कुछ विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन में बड़ी सफलता भी आपको मिलने वाली है, बशर्ते आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जीवन साथी और परिवार के साथ मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा तथा पारिवारिक वातावरण भी यश में खुशहाल बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपसी सामंजस्य द्वारा घर का वातावरण यश में उचित बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि पति पत्नी के आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण रहेंगे, घर का माहौल भी अनुशासित तथा मर्यादित बना रहेगा, जिससे दोस्तों आपको आत्मिक खुशी की प्राप्ति भी होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों पारिवारिक वातावरण उत्साहवर्धक तो रहेगा ही, साथ ही प्रेम संबंध की जो परेशानी है यश में दूर होगी, इसलिए दोस्तों यश में आपको उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में गिरने या फिर चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होने की वजह से आपको इनसे अपने खान पान को लेकर सीमित रखना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी आपको इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगी, तो दोस्तों इसमें अपने खान पान को लेकर आप सावधान रहें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप सावधानी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा।